हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भीम ऐप में जब भी आप अपना आधार कार्ड से यू पिन सेट करने के लिए प्रोसीस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये एरर आ जाता है योर मोबाइल नंबर इज़ रजिस्टर विद मोर देन वन नेम प्लीज़ गेट इन टच विद योर बैंक तो आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं यही सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये एरर आपको आता कब है ये देखिए यहाँ पर मैंने भीम ऐप को खोल रखा है और भीम ऐप को खोलने के बाद ये आप अपने ऊपर लोगो पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर ये बैंक वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर मैं अपने एच बैंक का यू पी आई पिन फॉरवर्ड करूँगा अगर आप पहली बार भी ऐड करके करते हैं तो भी आपको यही एरर आता है ये देखिए आधार कार्ड का ऑप्शन मैंने चूज किया है और ये मैं प्रोसीस के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और ये देखिए ये मेरे को एरर आ गया है योर मोबाइल नंबर इज रजिस्टर विद मोर देन वन नेम प्लीज गेट इन टच विद योर बैंक और इस एरर का क्या मतलब है इस एरर का मतलब है कि आपका जो मोबाइल नंबर है किसी और अकाउंट से भी लिंक है और एच में, में मेरे दो अकाउंट हैं एक मेरा अकाउंट है और एक मेरे बेटे का अकाउंट है और मेरा ये मोबाइल नंबर दोनों के साथ ही लिंक है यानी कि यानी कि मेरे बेटे के अकाउंट में भी ये मेरा मोबाइल नंबर लिंक है और मेरे अपने अकाउंट में भी ये मेरा मोबाइल नंबर लिंक है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है जिस अकाउंट के साथ उस बंदे का नाम कुछ और नाम है और ये मेरे बेटे का अकाउंट है और इस और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे को अपने बेटे के अकाउंट में मोबाइल नंबर को चेंज करवाना होगा यानी कि कोई और मोबाइल नंबर उस अकाउंट में लगवाना होगा तभी जाके ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और अगर आपको ये एरर आ रहा है तो आप भी चेक कीजिए जो भी आपका बैंक है उसमें आपका कोई और अकाउंट होगा और आपने उसमें अपना मोबाइल नंबर दे रखा होगा और आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा उस अकाउंट में अपने इस मोबाइल नंबर को चेंज करवाना होगा यानी कि कोई और नंबर मोबाइल नंबर लगवाना होगा उसके बाद आप आधार कार्ड से यू पिन सेट करने की कोशिश कीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका यू पिन आधार कार्ड से सेट हो जाएगा और अगर आप डेबिट कार्ड से यहाँ पर यू पिन सेट करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका यू पिन सेट हो जाएगा ये मेरा एच का अकाउंट है और अगर मैं डेबिट कार्ड से यहाँ पर अपना यू पिन सेट करता हूँ तो मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती मेरा यू पिन यहाँ पर सेट हो जाता है लेकिन अगर मैं आधार कार्ड से अपना यू पिन सेट करता हूँ तो मेरे को ये एरर आ जाता है और इस एरर को सॉल्व करने के लिए मेरे को अपने बेटे के अकाउंट में कोई और मोबाइल नंबर देना होगा और उसके बाद ही यह मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए